पिछले 4.5 अरब वर्षों से सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा दे रहा है। सूर्य की एनर्जी और उसके प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन हम सूर्य पर कितना डिपेंड करते हैं? क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए? What would happen if sun disappeared? पृथ्वी और हमारे सौरमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं। अगर सन अचानक से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर उस वक्त किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। सूर्य के गायब हो जाने के बाद 8 मिनट और 19 सेकंड तक उसकी रोशनी और एनर्जी पृथ्वी तक आती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड जितना वक्त लगता है, और उसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल की रात्रि शुरू हो जाएगी। 8 मिनट और 19 सेकंड के बाद पृथ्वी न केवल सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को खो देगी, बल्कि उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को भी खो देगी। वह सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाएगी। सूर्य की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जब सूर्य ही नहीं होगा तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी नहीं लगाएगी, और पृथ्वी प्रति सेकंड 18 मील की गति से किसी एक सीधी रेखा में स्पेस में ट्रेवल करने लगेगी। सूर्य के गायब हो जाने के बाद 1 घंटे तक जुपिटर पर उसकी रोशनी आती रहेगी और वह उसकी ग्रेविटी को फील करता रहेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर भी अनंत काल की रात्रि की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तब पृथ्वी केवल एक चीज से रोशनी प्राप्त कर पाएगी, और वह है आसमान में चमकते हुए तारे, लेकिन प्राप्त होने वाली यह रोशनी बेहद कम होगी। इस पर इंसान पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल आदि से मिलने वाली ऊर्जा। बड़े शहर एकदम से चमकने लगेंगे, थोड़े समय तक जीवन चलता रहेगा लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी का प्रयोग करते हैं। सूर्य के बिना पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण वह ऑक्सीजन को एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पेड़ पौधों के बिना भी हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ऑक्सीजन मौजूद होगी कि वो हमको जिंदा रख पाए। बिना सूरज के हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर गिरने लगेगा और पूरा ग्रह जमने लगेगा। हमारे ग्रह को पूरी तरह से सॉलिड फ्रीज होने में लाखों साल लगेंगे, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी यानी कि क्रस्ट का तापमान 1 हफ्ते के अंदर ही 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, और 1 साल के भीतर -100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कुछ ही लाखों वर्ष में तापमान -240 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन पृथ्वी की कोर की ऊर्जा यानी कि पृथ्वी के अंदर जो कोर है उसकी हीट अभी भी काम कर रही होगी। ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता का सफाया हो जाएगा, लेकिन जीवित रहने के लिए हमें पृथ्वी की कोर में से गर्मी हासिल करनी होगी। इसके लिए हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के जाने के 1 से 3 सालों के बीच में ही समुद्रों की सतह जमकर ठोस हो जाएगी। तब बर्फ एक इंसुलेटर का काम करेगी। बर्फ के नीचे की सतह का पानी लाखों सालों तक तरल रूप में रह पाएगा। इसके कारण समुद्रों में मौजूद जीव जीवित रह पाएंगे। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा। हो सकता है कि हवा के बादल बनने लगें और लिक्विड एयर के स्वरूप में उसकी बारिश हो, जमी हुई हवा जैसे बर्फ। अगर परफेक्ट प्लानिंग रही तो हो सकता है कि हम इस समय तक भी जिंदा बच सकें। करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी आकाशगंगा में 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना अंतर काट लेगी। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी इस समय में किसी और नए तारे के नज़दीक आ जाए और हमारे नए तारे के ऑर्बिट में उसके आसपास चक्कर काटने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।